हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लास 10 का हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा है। ट्रिगो लिख दिया शॉर्ट में मैंने। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोग को यहाँ मैथ्स के भी मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें एंड अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। सो बेसिकली अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी हमारा गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें साइन एंड कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी निकालना है। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपने कहीं दे सुना भी होगा और कहीं पे आपने अपना कुछ का खुद का इन्वेंशन भी करा होगा इस पे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पी से पंडित, पी से बद्री, पी से फिर पंडित, हरी हरी अब बी से बोल। यानी ये एक तरह से स्टेटमेंट है राइम से, जिसको आप लर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन कॉस और ये टेन। इसका साइन का ऑपोजिट होता है आपका कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपसे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे या आपको समझ में आएगा कि हाँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो और वो है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। सॉरी थोड़ा सा साउंड में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बट चलेगा उतना आप लोग करना। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू करोगे तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि पी बाई एच था आपका साइन थीटा का, तो एच बाई पी होगा आपका, एच बाई पी होगा आपका कॉसेक का। तो सेम केस में कॉस का होगा बी बाई एच और कॉसेक का होगा एच बाई बी, टेन का होगा पी बाई बी, कॉट का होगा बी बाई पी। ये आपका फार्मूला इसी तरीके बनते रहते हैं। अगर ये फार्मूला आपने कर लिया है तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बनेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले डायग्राम्स बनाएंगे यहाँ पे। जैसा यहाँ पे हमारे पास डेटा है उसके बेस पे, तो ए बी हमारा 24 है, तो मैं एक काम करूँगा, पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। और स्केल आपके पास है तो आप स्केल का यूज करना। यहाँ पे ए एंड ये मैंने बी लिखा और यहाँ मैंने 24 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि ए बी हमारा बोला गया था 24 सेंटीमीटर। देन फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी कि मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया सी, और मुझे ये नहीं पता इसका लेंथ क्या है। ऑलराइट, ये मुझे पता नहीं है, ए सी मुझे फाइंड आउट करना होगा, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो इसके लिए तो आपको ऑब्वियसली बात है आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ भी पढ़ा तो बहुत ईजी है, देख लो। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना कि इतना शॉर्ट में मत लिखना आप लोग कभी भी, कि मतलब मैंने जैसे यहाँ कहीं पे भी लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है। जस्ट लाइक मैं बताऊँ तो ये लिखने के बाद आप लिखोगे हियर इज अ गिवन डैट ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ये लिखने के बाद डायग्राम बनाओगे, देन आप लिखोगे वी फाइंड ए सी इक्वल टू ये, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इट मीन्स कि थोड़ा सजा के लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, टीचर को भी अच्छा लगता है चेक करने में, ठीक है। और मैं तो आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली बात है हमें समय के साथ चलना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसका होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच क्या है, एच हमारा हो गया हाइपोटेनस बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग पी को हम लोग बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर और बी को बोलते हैं बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस ए सी है तो हम लोग एच की जगह ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ तो पी स्क्वायर आप मान के चलो ए बी मान लो यहाँ पे ए बी स्क्वायर। ऑलराइट, और प्लस हो गया बी सी हो गया आपका बेस, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर। या आप इसको पी मानो इसको भी मानो, डजन मीन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अभी, वो आपका यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है, यहाँ नहीं, ठीक है, पाइथागोरस में नहीं। तो मैं क्या करूँगा अब ए बी का वैल्यू पुट करूँगा, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया 7 का स्क्वायर। ऑलराइट, 24 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो इसका 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। ये लोग पागल हो गए बट चलो कोई नहीं, ये हो गया 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा आपका। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैंने यहाँ पे ए सी और इसका अगर मैंने स्क्वायर उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625।
और आपको पता है कि 625 का अगर मैं बात करूं 25 सेंटीमीटर, यानी एसी हमारा क्या निकला 25 सेंटीमीटर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये हमारा निकल गया। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि इसको निकालना था मुझे, ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे, अगर बी दिया है निकालना है तो आप पी को उधर ले जाओगे, अगर पी निकालना है तो बी को उधर ले जाओगे, पी निकाल लोगे, एच निकालना है तो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी गिवेन है। मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम से आप ये सारे साइड निकाल सकते हो। इम्पॉर्टेंट अब यहाँ आ जाता है हमारे लिए कि पहला है हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए के लिए देखो यहाँ पे क्लियर बना हुआ है, तो मैं उसमें चेंजेस नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पी मैंने माना था, इसको बी माना था और इसको एच माना है, तो साइन ए जो कि मैंने बोला था आपको साइन थीटा का रूट क्या था, पी बाई एच। तो यहाँ पे पी क्या है हमारे लिए, ए बी है, तो मैंने पी बाई एच लिखा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई एच, के लिए मैं ए सी लिख सकता हूँ। अब जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, ए बी में हमारा 24 और बी ए सी में हमारा 25, यानी कि एक आंसर तो हमारा ये आ गया साइन ए के लिए। कॉस ए के लिए मैं अगर बात करूँ तो इसका होता है बी बाई एच, और बी कर मैं बात करूँ तो बी मैंने बी सी माना था तो मैं बी सी लिखूंगा, एच ए सी है तो ए सी है, और वो होगा आपका 7/25, ये आपका सेकेंड का आंसर। ये तो आपका पहला का आंसर आ जा रहा है। दूसरा का हम लोग देखते हैं साइन सी। अब देखो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ निकालना कोई बड़ी बात नहीं था, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब हम सी किसको लें, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना। तो देखो ना आप सिंपली करो ना, आप इसको इसको ऐसे रख लो, ठीक है, मेरे लिए अब ये सीधा हो गया। तो आप देखो ये मेरे लिए पी हो गया, ये मेरे लिए बी, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, साइन सी में। और क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है ना कि एट एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री अब बना कि नहीं बना ये बताओ, बन गया ना 90 डिग्री, इधर भी रखो बन गया, उधर भी बन गया 90 डिग्री हमारा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, खाली इसको ऐसे कर देना, सी के लिए उसने पूछा, ये सी के पॉइंट के लिए पूछा, तो सी अगर हुआ तो ये ना हो गया हमारा बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, साइन सी हो साइन डी हो, बस आपका सिर्फ एंगल बदलेगा, इट मीन्स कि आपका साइड बदलेगा बट रूल नहीं बदलने वाला है। तो साइन सी यानी कि पी बाय एच। अब इसके केस में पी क्या हो गया हमारा, पी हो गया हमारा ए बी, ठीक है, पी हो गया हमारा ए बी, और एच तो आपका ए सी है तो ए सी ही रहेगा। तो ए बी क्या था हमारा, 24/25, ठीक है। और कॉस सी का भी बात करें तो सेम होगा आपका, तो वो होगा आपका बी सी बाय ए सी, यानी 7/25। तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, दोनों केस में देख सकते हो कि दोनों केस में जो आंसर है आपका, यहाँ पे आप देखो कॉस ए का भी आपका क्या निकला था, कॉस ए का निकला था आपका, कॉस ए में मैंने कहीं गलती किया है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है। कॉस ए जो होगा, मैंने बी बाई एच सही लिखा है, बट बी तो हम लोग किसको ले रहे थे, बी हम लोग मान रहे थे आपको इसे, ठीक है, और बी जब कॉस ए, एक सेकेंड बच्चों, कॉस ए, बी सी, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दिया बाबू, बी सी बाई ए सी होगा, ये होगा आपका बी सी बाई ए सी यानी कि 7/25, ये हो जाएगा आपका, यही होता है, आप डायग्राम पे ध्यान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। और कॉस है, ये मैंने काफ़ी गंदा बना दिया यहाँ पे, तो मैं अब साइन ए इक्वल टू लिखूँगा यहाँ पे, हमारा होगा बी सी बाई ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/25, कॉस ए हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी यानी कि ये हो जाएगा 24/25, सेम साइन सी हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी यानी कि 24/25, एंड कॉस सी हमारा हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी इक्वल टू 7/25। सो बेसिकली ये रहा हमारा आंसर, हमें कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पे बी पी ये पता लगाना है, मैंने पहले बताया है कि आप थोड़ा सा इसको टर्न कर लोगे देख लोगे। यहाँ पे मिस्टेक इसलिए थोड़ा बहुत हो गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है,
चलो कोई बहाना नहीं, जो भी है यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। और कोई इशू होगा तो आप बताना, और मैथ में कोई इशू नहीं होगा, मैं इतना गारंटी लेता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं होंगे। रीजन है कि ये एक मेथड पे बनता है, ये तो बहुत इजी मेथड है, ये की मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए, वो भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।